स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। आज 10 फरवरी यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ शुक्ल पक्ष का पांचवा दिन है, अर्थात आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। तो इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और इस दिन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और आवश्यक जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, क्योंकि इस दिन फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण प्राप्त होता है। चलिए अब वसंत पंचमी के बारे में जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण समस्त ब्रह्मांड में मौन छाया हुआ था। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त होने लगा, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती से संबोधित किया। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती है। बसंत पंचमी के दिन ही इनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए ये दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्राणो देवी सरस्वती वाजे भीर्व जिनीवती धीना मनीत्र यक्तु, अर्थात ये परम चेतना प्रदान करने वाली है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। सभी प्रकार के विद्वान, कलाकार, शिक्षक और विद्यार्थी इस दिन माता की आराधना करते हैं और अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि होने की कामना करते हैं। चलिए अब बसंत पंचमी के दिन घटित कई किस्म की घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। इतिहास इन घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता हरण के पश्चात श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़ चले। इसमें जिन जिन स्थानों पर वे गए, उनमें दंडकारण्य भी एक था। यहीं शबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध भूत खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी माँ का आश्रम था।
ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र वहां पधारे थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूछते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया, पर उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध है। मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद बरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वो मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक कर आत्म बलिदान दे दिया। 1192 में हुई यह घटना भी बसंत पंचमी के दिन ही घटी थी। इसके अलावा बसंत पंचमी का दिन हमें लाहौर के निवासी वीर हकीकत की घटना और राम सिंह कूका की घटना की भी याद दिलाता है। वैसे अगर कभी इस पावन अवसर पर जन्मे कुछ लोगों की बात करें तो राजा भोज का जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था जो 40 दिनों तक चलता था। हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस 28 फरवरी 1899 को हुआ था। इस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दान दिया करते थे। इसी कारण लोग उन्हें महाप्राण भी कहते थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जन्म लेने वाले लोग अगर कोशिश करें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।